Kevin and Stuart want to play the game, the minion game. Game rules Both players are given the same string S. Both players have to make substrings using the letters of the string S. Stuart has to make the words starting with consonants. Kevin has to make words starting with vowels. The game ends when both players have made all possible substrings. Scoring प्लेयर गेट्स प्लस एग्जाम्पल एस में दो बार आ रहा है तो केविन को दो पॉइंट मिलेंगे ऐसे ही जो सबस्ट्रिंग जितनी बार आ रही है उसको उतने पॉइंट मिलेंगे लेकिन बनानी सारी सबस्ट्रिंग ओके योर टास्क इज टू डिम एन देर स्कोर प्रिंट क्या करना है हमें विनर का नाम प्रिंट करना है और स्कोर प्रिंट करना है ओके okay? जैसे बनाना में स्टुवर्ड जीतेगा क्योंकि बी से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले सबस्ट्रिंग्स स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग्स ज्यादा हैं तो स्टुवर्ड का स्कोर कितना हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा तो चलते हैं इसकी अप्रोच समझते हैं कैसे करना है सो so, बनाना वर्ड है ओके okay. इसमें बी से कितने बन जाएंगे बी बी ए ओके बी ए एन सो ये कॉंसोनेंट से बनने वाले सारे सबस्ट्रिंग्स हैं बनाना के ओके okay. सो so, ये कितने हैं वन टू थ्री फोर वैसे ये ट्वेल्व है ओके सो स्टूव का स्कोर हो जाएगा ट्वेल्व हमें सिंपली काउंट करना है कि कितने कॉन्सोरेंट से बनेंगे सबस्ट्रिंग्स और कितने वॉवल्स से बनेंगे ओके okay, एक बार वॉवल्स के सब स्ट्रिंग्स लिख देता हूं मैं सो so, ये केविन के सबस्ट्रिंग्स है ये टोटल है नाइन तो हमें दोनों के काउंट कर लेने जिसका स्कोर ज्यादा बड़ा होगा हम उसकी वैल्यू और उसका नाम रिटर्न कर देंगे ओके okay? अब यहाँ पे ए तीन बार कॉल हुआ है तीन बार सबस्ट्रिंग आई है क्योंकि हमने पहले इधर से देखा इतने सबस्ट्रिंग में देखा उसके बाद इतने में देखा उसके बाद ये आखिरी वाले में देखा तो इसीलिए तीन सबस्ट्रिंग्स हैं ओके अब मेन चीज आते हैं, किसी सबस्ट्रिंग के नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कितने होते हैं ये एक फार्मूला होता है n n 1 2 ये तो समेशन है सबस्ट्रिंग्स का नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स का ये समेशन है बट हमें यह कैलकुलेट करना है कि बी से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, कितने बन सकते हैं बी से स्टार्ट होने वाले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि जितना लेटर है उतना बी से कैलकुलेट होने वाले सिक्स होते हैं उसके बाद ए से कैलकुलेट ए से कितने बन जाएंगे ए की तरफ पांच फिर एन की कितनी बन जाएंगी फोर ए की कितनी बन जाएंगी ए से स्टार्ट होने वाली थ्री फिर एन से स्टार्ट होने वाली टू और ए से स्टार्ट होने वाली वन सो ये ये ही समीशन लिखा है मैंने ऊपर ये ये फॉर्मूला है टोटल सबस्ट्रिंग्स का बनाना में टोटल सबस्ट्रिंग्स का ओके okay. बट हम अगर स्टूअर्ट का कैलकुलेट करने जाएंगे सबस्ट्रिंग्स स्टूअर्ट की तो उसमें हमें ए से नहीं चाहिए ए से हमें स्टार्ट होने वाली सबस्ट्रिंग्स नहीं चाहिए क्योंकि स्टूवर्ट को सिर्फ कॉन्सोनेंट से सबस्ट्रिंग्स बनानी है तो बी तो काउंट हो जाएगा बट ए के काउंट नहीं होंगे अगेन यहाँ पे एक नहीं होंगे यहां पर एक नहीं होंगे तो के ट्रोल कितने हो जाएंगे यानी कि ओके सिंपल हमें सारे सब्सिट्स को जनरेट नहीं करना है, हमें सिंपल मैथ का फॉर्मूला लगाना है ओके okay? और सेम चीज होगी केविन में केविन का स्कोर क्या होगा केविन में हमें कॉन्सोनेंट से नहीं चाहिए तो यानी कि सिक्स नहीं होगा उसमें फाइव होगा फाइव प्लस उसमें फोर नहीं होगा क्योंकि फोर तो एन से शुरू है हमें ए से चाहिए हमने ए का पहला ले लिया फिर दूसरे ए के कितने बन जाएंगे थ्री बन जाएंगे तो फाइव प्लस थ्री उसके बाद अगले ए से कितने बन जाएंगे वन तो यहाँ पे वन तो कितना हो जाएगा यहाँ पे नाइन तो केविन का स्कोर आ गया स्टोर्ट का स्टोर स्कोर आ गया जो बड़ा होगा हम उसको प्रिंट कर देंगे ओके सो इसका बेसिक्स है एक कोड uh, है मतलब हम एक फॉर लूप चलाएंगे ओके okay? उसमें हमें इंडेक्स वैल्यू भी चाहिए और हमें वो कैरेक्टर वैल्यू भी चाहिए इंडेक्स वैल्यू हमें क्यों चाहिए ताकि हम ये पता लगा सके कि किस इंडेक्स से हमें मतलब लेंथ क्या है बेसिकली जिसके हमें सबस्ट्रिंग्स निकालने राइट right? जैसे ए से सबस्ट्रिंग्स निकालने तो लेंथ लेंथ जितने सबस्ट्रिंग्स हो जाएंगे सिर्फ ए से मतलब अगर सिर्फ बी से काउंट करेंगे हम सबस्ट्रिंग्स कितनी बनेंगी तो बी के बाद जितना भी लेंथ होगा एरे का है ना इसके बाद इसके पहले कोई भी कैरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता बी को इंक्लूड करके जितना भी अब वैसे ही हम हर कैरेक्टर के निकालेंगे कि हर कैरेक्टर से राइट right की तरफ कितनी लेंथ बच रही है उसके लिए हमने एक इंडेक्स वैल्यू ले रखी है और एक कैरेक्टर वैल्यू है जो कि यह बताएगा कि कौन सा कैरेक्टर है ठीक है उस कैरेक्टर से हम ये पता लगाएंगे कि वो वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसको के स्कोर में ऐड कर देंगे अगर वो वॉवल है तो हम उसे केविन के स्कोर में कर देंगे, ओके। कि हमें यहाँ पे एक सेट बनाना पड़ेगा वॉवल्स का यहां पे हम एक सेट बना लेंगे जिसमें वॉवल्स होंगे ओके वॉवल्स है हम चेक करेंगे यहां पे अगर ये कैरेक्टर जो आई है यानी कि बी ओके यहाँ पे देखते हैं हम पहले b a n a n a ओके okay, हम सबसे पहले चेक करेंगे i इस पे ठीक है फॉर फॉर i कॉमा केयर इन इन्यूमरेट इन्यूमरेट s इन्यूमरेट s से क्या होता है हमें एक इंडेक्स वैल्यू मिलती है और वो कैरेक्टर वैल्यू मिलती है ठीक है जो इंडेक्स पे है मतलब जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है हमें वो भी मिल जाएगी और इंडेक्स भी मिल जाएगा ओके okay? आई so, हमारा इंडेक्स है कैर बी है ठीक है तो सबसे पहले बी आया अब हमने चेक किया कि फॉर इफ आई 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 इन 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 अगर in, अगर किस बेसिकली ये मतलब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि आई वॉवल्स के अंदर है कि नहीं अगर वॉवल्स के अंदर है तो स्कोर किसके में ऐड करना था के के में मतलब यानी कि केविन के में इसको ऊपर नीचे हो गया सॉरी फॉर इफ आई इन वॉवल्स यानी कि अगर वो ए से शुरू है ए या से कोई भी वॉवल्स से शुरू है वो वॉवल्स से बनने वाली सब स्ट्रिंग्स सब केविन के स्कोर में जाएंगी ओके अभी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे केविन का स्कोर तो शुरू में जीरो मान लिया था समझ ठीक है हमें कितना कैलकुलेट करना था जितनी भी ए से लेकर ए के आगे जितनी भी लेंथ है राइट वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि फाइव फाइव में कैसे पता चल रहा है हमें ये तब होगा जब आई की वैल्यू वन होगी है ना ये वन इंडेक्स पे ना जीरो वन तो हम कैसे निकालेंगे इसके राइट right साइड की पूरी लेंथ सिंपल साइज जो है length of S -I. इसे हमें क्या मिल जाएगा ए से ये वाली लेंथ मिल जाएगी और ये लेंथ को हम ये लेंथ हम के में क्यू प्लस कर रहे हैं क्योंकि ए से बनने वाले जितने भी सब होंगी वो उतनी ही एन ही होंगी ठीक है तो ये के के खाते में हो जाएगा उसके बाद एल्स एल्स एक ही बात है सिंपल सी बात है अगर वॉवल्स में नहीं है तो हमें स्टुअर्ट के स्कोर में ऐड करना है है ना तो स्टुअर्ट के स्टोर में स्कोर में भी सेम len i ठीक है len i तो ये टोटल कोड बन जाएगा हमारा फिर नीचे कंपैरिजन कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ओके okay? सो so, ये बेसिक कोड है चलते हैं सीधा कोड की तरफ तो सबसे पहले कोड में सबसे पहले हमें क्या करना है वॉवल्स का एक सेट बनाना है वॉवल्स वी नॉर्मली ले लेते हैं यहाँ पे ए सारे वोवल्स लिख लेंगे सारे वोवल्स लिख लिए. उसके बाद हमें केविन और केविन uh, और स्टूवर्ट का स्कोर स्टोर करने के लिए भी वेरिएबल चाहिए भी बना लिए अब एक सिंपली uh, आगे जाके यूज होगा जो लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रिंग की जो हमें स्ट्रिंग दी गई है ओके okay? अब हमें क्या लगाना था एक फॉरलूप आईकॉमा कैरेक्टर इन इन्यूमरेट इनरेट स्ट्रिंग ओके इससे हमारे पास क्या आ जाएगा एक इंडेक्स uh, वैल्यू और उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग पे जो कैरेक्टर है ओके okay? अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये कैरेक्टर उस सेट में है कि नहीं इफ कैरेक्टर इन वी अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि यहाँ ये सिर्फ लोअर केस के लिए है तो हम कैरेक्टर को लोअर में करके चेक कर लेंगे इसमें कैरेक्टर लोअर केस में नहीं हो रहा है बट बस हमने व्यू कर लिया उसको लोअर केस में कैरेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होगी बट हम चेक कर रहे हैं कि कैरेक्टर को लोअर कर करके अगर वो वी में है अगर कैपिटल होगा तो अपने आप स्मॉल हो जाएगा अपने आप मिल जाएगा इसके अंदर और स्मॉल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अगर ये वॉवल्स के अंदर है तो हमें केविन के स्कोर में प्लस करना था और कितना प्लस करना था एन माइनस आई एन माइनस आई मतलब वही जितनी लेंथ बची है स्ट्रिंग की उतना ओके okay, उतनी सब बनेंगी तो उतना हमने के के में प्लस कर दिया एल्स एल्स स्टुअर्ट के स्कोर में हमें प्लस इक्वल्स टू कितना करना था सेम एन माइनस आई ये दोनों की वो होगी उसके बाद हमें सिंपली कंपेयर करना है अगर एस बड़ा है के से देन हमें प्रिंट कर देना है स्टुअर्ट स्टुअर्ट कॉमा एस उसका स्कोर भी एल्स एल इफ सॉरी क्योंकि हमें ड्रॉ की भी कंडीशन चेक करनी है तो एल इफ लगाना पड़ेगा एल इफ के ग्रेटर देन एस, देन एस एस प्रिंट केविन केविन कॉमा एस, नहीं, केविन कॉमा कॉमा नहीं के क्या लिख रहा हूं केविन कॉमा के एल्स अभी ड्रॉ की कंडीशन है ड्रॉ की कंडीशन में हमें सिंपली प्रिंट करना था ड्रॉ तो प्रिंट ड्रॉ ओके सो so, ये कोड है चला के देखते हैं चल रहा है कि नहीं ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस कोड चल चुका है और सबमिट करते हैं इस कोड को सो so, सारे टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं तो होप्सो की गाय समझ में आया हो ओके okay, तो होप्सो की समझ में आया हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि और ऐसे ही प्रोग्राम हम करते रहें कोडिंग क्वेश्चंस करते रहें टेक केयर बाय बाय